आज हम लोग लैम्प्रे फिश के बारे में जानेंगे। लैम्प्रे जो है वैम्पायर फिश के नाम से भी जानी जाती हैं, अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। लैम्प्रे की असल पहचान उसके मुंह से होती है, क्योंकि जब लैम्प्रे अपना मुंह खोलते हैं तो इनका मुंह एकदम गोल हो जाता है। इसके इसी गोल मुंह में चारों तरफ दांत होते हैं। लैम्प्रे का जबड़ा नहीं होता, इनकी जीभ लंबी होती है और दांत बेहद नुकीले, इतने नुकीले कि जब ये शिकार के शरीर के किसी भाग में अपने दांत गड़ाते हैं तो उस भाग के मांस को एक झटके में उखाड़ सकते हैं। ये खून भी पीते हैं। लैम्प्रे की आंख के पास 7 गलफड़े होते हैं। लैम्प्रे की एक खासियत ये है कि ये समंदर और नदी दोनों में पाए जाते हैं। लैम्प्रे की लंबाई 6 से 24 इंच होती है और इसका वजन 8 किलोग्राम तक होता है। ये ईल मछली जैसे दिखाई देते हैं। लैम्प्रे अपने शिकार को तुरंत नहीं खाते, ये शिकार के शरीर पर दांत गड़ा देते हैं और कई दिनों तक दांत गड़ाते रहते हैं, जिससे शिकार की मौत हो जाती है। लैम्प्रे की आयु औसतन 14 वर्ष होती है। ये एक बार में 1,00,000 अंडे देती हैं और अंडे देने के 36 दिन बाद मर जाती हैं। फिर मेल लैम्प्रे अंडे की देखभाल करता है। तो ये थी लैम्प्रे फिश, यानी कि वैम्पायर फिश।